हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा में नकल करने का दोषी पाए जाने पर 12 परीक्षार्थियों को एक साल तक परीक्षा देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। वहीं कुछ परीक्षार्थियों का संबंधित पेपर रद्द भी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई 10वीं और 12वीं परीक्षा में 114 नकल के मामले पकड़े हैं। ये जो 10th और जो प्लस टू के स्टूडेंट है जो 12 इनको मतलब एक साल के लिए जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो इसके बारे में जैसा कि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन के दौरान कुल मिला के 113 केसेज जो 10वीं और प्लस टू के जो अनफेयर मीन्स के द्वारा पकड़े गए थे और कमेटी द्वारा पकड़े गए थे, जिसमें से 10वीं के 41 केसेस थे और जो 12वीं है उसके 72 थे। कुल मिला के 113 केसेस थे। तो इनमें से जो 10वीं के 7 कैंडिडेट्स हैं उनको एक साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया, उसी तरह जमा 2 के 5 कैंडिडेट्स को जो है वो एक साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है। इसके अतिरिक्त तो जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनको जो है उनका पर्टिकुलर पेपर कैंसिल हुआ है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरपजीत निपी की रिपोर्ट।